राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों के नवरात्रि को लेके अनगिनत प्रशंसा की दीदी, कलश का क्या करना है, चौकी का क्या करना है, ज्वारों का क्या करना है, माता की पिंडियों का क्या करना है, अखंड ज्योत का क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कृपया करके हमें बताइए। तो मैं एक एक करके आपको सारी बातें बताने जा रही हूँ। आप कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए या फिर अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। आशा करती हूँ आपके नवरात्रि बहुत अच्छे बीते होंगे। माता रानी आप लोगों के घर पे सुख समृद्धि लेके आए। जब माता रानी आती है और नवरात्रि आते हैं ना, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, और जब माता रानी जा रही होती है तो मानो ऐसा लगता है जिसकी हृदय में कोई भार जा रहा हो। लेकिन जब तक माता रानी जाएंगे नहीं, तब तक दोबारा से माता रानी आएंगी कैसे? तो चलिए अभी सबसे पहले हम लोग चौकी की स्थापना करते हैं। तो वो चौकी कब हटनी चाहिए? तो वो चौकी 9 दिन तक, नवरात्रि अर्थात 9 दिन इसमें जरूरी होते हैं, और 9 रातें, नव अर्थात 9 रात्रि मतलब रात, अर्थात 9 रातें होना उसमें जरूरी है। तो जो विजयदशमी होती है अर्थात दशहरा जब होता है, दशमी वाले दिन आपको वो चौकी हटानी चाहिए। हाँ, नौमी वाले दिन आप उस चौकी को हल्का सा रात्रि के समय हिला सकते हैं पूजा अर्चना वंदना करने के बाद, लेकिन दशमी वाले दिन आपको उस चौकी को हटा देना चाहिए। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो कलश रखा हुआ है उसका क्या करना है? तो जो आप वो कलश रखते हो, उस कलश के सबसे पहले नीचे आप लोग सप्तदल रखते हो, या फिर राइस रखते हो, चावल रखते हो, अक्षत रखते हो, गेहूं रखते हो, कुछ भी उस कलश के नीचे रखते हो, तो वो जो चावल गेहूं है वो पक्षियों को डाल देना चाहिए। और साथ ही के साथ उस कलश में अगर पानी सूख गया है तो बहुत ज्यादा अच्छा संकेत है। अगर पानी नहीं सूखा है तो आप उस पानी को पूरे घर में छिड़काव कर सकते हो, क्योंकि वो जो पानी है वो पूरी तरीके से अभिमंत्रित हो गया है। अभिमंत्रित अर्थात 9 दिन की पूजा अर्चना वंदना, वो पानी साक्षी है, वो पानी पूरी तरीके से अभिमंत्रित हो गया। उसका छिड़काव पूरे घर पे करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है, और साथ ही के साथ आपके घर में किसी भी प्रकार की आदि व्याधि पूरे साल भर नहीं आती है। नंबर तीसरी बात जो लोग पूछते हैं कि दीदी आप हमें कृपया करके बताइए कि कलश के अंदर जो हमने सामग्री डाली थी उसका क्या करना होता है? बहुत सारे लोग संकल्प करके कलश के अंदर बहुत सारी चीजें डालते हैं, जैसे कि आप लौंग डालते हैं, आप चांदी का सिक्का डालते हैं, आप या 1 या 2 का सिक्का डालते हैं, आप हल्दी की गांठें डालते हैं। तो अगर उन चीजों को हल्का सा धूप में सुखा के, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के कीड़े वगैरह ना पड़े, आप एक लाल कपड़े में बांध दीजिए और उसको अपने तिजोरी में रख लीजिए। दिवाली वाले दिन आपको उस पोटली को निकालना है, ये स्वतः ही आपने पोटली बनाई है, पोटली को निकालना है, उसकी पूजा अर्चना वंदना करनी है। अब आगे कर लेते हैं बात की दीदी, अब कृपया करके हमें बताइए हम खेतरी का क्या करें, जो का क्या करें? तो देखिए, जब भी जो को सबसे पहले अपने सिर पे रखा जाता है और पूरे घर में जो दिखाई जाती है, अर्थात पूरे घर में हमारी खेतरी को घुमाना चाहिए, एक एक कमरा दिखाना चाहिए बाथरूम को छोड़कर। और उसके तत्पश्चात करना क्या होता है? उसके तत्पश्चात करना होता है खेतरी को थोड़ा सा तोड़ा जाता है, और तोड़ के सारा खेतरी को अलग कर लिया जाता है। जब खेतरी को सारी जो को खेतरी को अलग कर लिया जाता है, तो उसको एक लाल कपड़े में बांधकर अलमारी में रख लिया जाता है। अगर खेतरी बहुत ज्यादा है तो गाय में सभी देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर खेतरी की संख्या बहुत ज्यादा है तो आप उसको गाय को भी खिला सकते हैं। खेतरी के नीचे जो भी मिट्टी है या फिर जो भी रेत इत्यादि में आपने खेतरी बोई है, तो वो आप गमलों इत्यादि में डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि दीदी जो हमने पिंडियां बनाई है, अगर आपने भी पिंडियां बनाई है मेरी तरह, तो उसका क्या करना होता है? जो भी आपने पिंडियां बनाई है उसको आप एक बर्तन में पानी डाल के, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के उस पिंडियों को प्रवाहित करना होता है, और जब वो मिट्टी बन जाए तो उसके बाद किसी भी गमले में डाल देना होता है। और अब बात कर लेते हैं अखंड ज्योत की। तो जब तक अखंड ज्योत जल रही है, दसवीं वाले दिन सुबह तक अखंड ज्योत को जलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि 9 रात्रि में अर्थात 9 रात तक अखंड ज्योत जलती रहनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब तक अखंड ज्योत जल रही है तब तक उसको जलते रहना होता है, उसको फूंक मार के या फिर ऐसे शांत नहीं किया जाता। जब वो अपने आप ही शांत हो जाए तो उसकी जो बत्ती है उसको निकाल देना होता है, और उसकी बत्ती को किसी भी गमले इत्यादि में डाल देना होता है। उसके बाद उसमें जो तेल बचा होता है, उस तेल को अपने हाथों पर लगाना होता है और अपने मस्तक पर लगाना होता है। हल्का फुल्का सा तेल बचा होता है, ज्यादा नहीं बचा होता, 5-6 बूंद ही तेल बचा होता है। अपने परिवार के सभी मस्तक पर लगाएंगे, आप
पूरे परिवार के हाथों पर और मस्तक पर लगाएंगे। इससे होता क्या है, आपकी जो भी दुर्भाग्य की लकीर है वो सौभाग्य में बदल जाती है, और जो सौभाग्य की लकीर है वो परम सौभाग्य में बदल जाती है। उसके बाद अखंड ज्योत का जो भी दिया बचा होता है उसको तो आप लोगों को धो ही लेना होता है। अब बात कर लेते हैं कि दीदी जो वो कपड़ा बिछा होता है उसका क्या करना होता है, अर्थात चौकी पे जो कपड़ा बिछा होता है आप उसको धो के रीयूज कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार से आपका जो कलश है या फिर जो भी मिट्टी इत्यादि के बर्तन है, आप अगर वो खंडित नहीं हुए हैं तो आप उनको धोकर दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन जब तक खंडित ना हो जाए तब तक हम उनको रीयूज कर सकते हैं, लेकिन जब वो खंडित हो जाते हैं तब उनकी रीयूज की पद्धति अर्थात दोबारा यूज करने की पद्धति खत्म हो जाती है। उसके तत्पश्चात आपने जो भी दक्षिणा इत्यादि चढ़ाई है उस दक्षिणा को आपको संभाल के रखना होता है। उसमें थोड़ी सी दक्षिणा और ऐड करके आपको किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी कन्या को इत्यादि को दे देना होता है। आपने जो मेकअप का सामान माता रानी पर समर्पित किया है उसको तो आपको कन्या को वैसे भी बांट देना होता है। अगर मेकअप का सामान ज्यादा है तो आप किसी ब्राह्मणी को या फिर मंदिर में भी उस मेकअप के सामान इत्यादि को दान कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरी ही वीडियो बता दी है, साथ ही के साथ मैं धूनी का भी बता देती हूँ, क्योंकि काफी लोग धूनी करते हैं, जोत जला धूनी करते हैं, गाय के उपले की जो धूनी होती है वो करते हैं, उसकी बहुत सारी राख होती है, उसका क्या करना होता है, उस राख को आपको गमलों में डाल देना होता है, अपने घर के जो भी गमले हैं उसमें डाल देना होता है। बाकी जो राख बच जाती है थोड़ी बहुत राख, आपको उसको संभाल के रख लेना होता है। आपके घर में कभी भी किसी को नजर लगती है या फिर रेगुलर तिलक की तरह आप उस राख का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा अर्चना वंदना का एक एक सामान हटा सकते हैं। ये मेरी वीडियो बहुत शॉर्ट में थी और बहुत सरल तरीके से मेरी कोशिश रहती और बहुत सरल तरीके से मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दे पाऊँ, और बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि किस चीज़ का क्या करना है, किस चीज़ का क्या करना है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।